मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन भक्तों के मनों का स्वागत है जो तीर्थ स्थानों में जाकर भगवान को खोज रहे हैं। भगवान तो वहाँ उनको मिलते नहीं, शांति भी नहीं मिलती, निराशा और हाथ लगती है और वे लूटे पिटे से लौट आते हैं। हाँ, जिन भक्तों को शांति मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पहले ही रेखांकित कर दिया है, इस बात को अंडरलाइन कर दिया है कि वे भक्त जो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं लेकिन वहाँ की अव्यवस्था, अनियमितता और अराजकता को देखकर वे व्याकुल हो जाते हैं। अनेक मेरे पास ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आए जिसमें उन्होंने बताया कि वे तीर्थ स्थानों पर गए और वहाँ की लूटपाट और गंदगी को देखकर उनका मन उचाट हो गया। आज उन्हीं भक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक भक्त का वॉइस मैसेज मन के सवाल में उठाया जा रहा है और फिर इस सवाल के माध्यम से हम आगे की तीर्थ यात्रा पर चलेंगे, अर्थात उत्तर की तीर्थ यात्रा पर। तो सबसे पहले इन भक्त का प्रश्न सुन लेते हैं, इनके मन का सवाल सुन लेते हैं। राम राम महाराज जी, मैं आपकी वीडियो कॉल से देख रहा हूँ तो कुछ मन को बहुत शांति मिली है। मेरे मन में ये सवाल बहुत चल रहा था कि वृंदावन के बारे में जो जो बातें बताई है हम मान्य करते हैं, लेकिन जब हम वृंदावन गया था तो वहाँ पे देखा कि लोग थोड़ा सा जो पंडे पुजारी होते हैं लूट पाट भक्तों से, और जो भक्त हैं भीड़ भड़क्के में इतना ज़्यादा भीड़ भड़क्का कि वहाँ लोग मर भी सकते थे, इतना बांके बिहारी मंदिर में हो रहा था। और एक लड़की का वहाँ दम घुट गया और उसे सांस नहीं आ रहा था, वो तड़फ रही थी और उसमें कह रहे थे कि ये तो राधा रानी का रूप आ गया है इसमें, ये तो राधा रानी का स्वरूप है इसलिए ये तड़प रही है। तो ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे बना रहे थे। तो ये अब ये संत कह रहे हैं कि अगर वृंदावन में आकर तुम वृंदावन वासियों पर, ये पंडे पुजारियों पर जा, वहाँ पे अगर तुम्हें दिखता है कि यहाँ पे तो गंदगी है, यहाँ पे तो ये है, तो ये कह रहे हैं कि आपकी सोच मलिन है, आपकी सोच गलत है। ये तो वृंदावन धाम में राधा रानी की कृपा से आए हैं तो इन पर दूर दृष्टि मत करो। अगर इनके अर्ग आपको लगता है ये गलत कर रहे हैं तो भी इन पर दूर दृष्टि मत करो। तो ये मुझे बताइए, ये अगर वृंदावन धाम में जाकर भी हमें शांति नहीं मिल रही, हमें माया दिख रही है, अगर गंदगी दिख रही है, जी हमारा दोष है या पर वहाँ पर रहने वाले हैं वो वृंदावन धाम की महिमा जानते ही नहीं, वृंदावन धाम को साफ सुथरा नहीं रखते, वृंदावन धाम में जो रहते हैं वो वृंदावन धाम की मर्यादा को भंग कर रहे हैं, ये क्या है महाराज जी? इस पर अगर आपको समय जरूर लगे तो मेरे मन की शंका मिटा देना। मेरा मन इस बात पर बहुत उछाल कर रहा है कि बताओ मुझे कि ये क्या कह रहा है। आपने कल बताया था कि आप बताया था कि लहसुन प्याज पर आपने, और ये महात्मा कह रहे हैं कि लहसुन प्याज मत खाओ अगर आपने वृंदावन आना है या फिर आपने भगवान की प्राप्ति करनी है। तो ऐसे में हमारा मन विचलित तो हो रहा था, लहसुन प्याज वाली बात पर तो हमारा मन शांत तो हो गया है आपकी बातों से, आपने बहुत सहजता से समझाया। और इस बात पर आप जरूर गौर करें, अगर आपको समय लगे तो जरूर हमें बताएं, सबको बताएं, ये बात बहुत जरूरी आवश्यक है कि अगर हम जो बाहर से आते हैं ऐसी दृष्टि करते हैं हमको तो लगेगा अपराध, अगर वहां पे रहते लोग कोई भी अपराध करते हैं तो उसे कहा जाएगा राधा रानी की कृपा है इन पर दोष दृष्टि करना, तुम्हें अपराध लग जाएगा, तुम ये इन पर दोष दृष्टि नहीं कर सकते। अगर ये अपराध करते भी हैं तो इन पर तुम दोष दृष्टि मत करो। तो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं तो हम इसे क्या है, सच्चाई क्या है, आप अपने विचारों से हमें समझाएं। इनके उत्तर पर हम अब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। ये व्हाट्सएप पर ही तैरता हुआ मेरे पास पहुँचा था और मेरी टीम के सदस्यों ने कहा कि इसे आपको देख लेना चाहिए। मैंने देखा और मैंने कहा इसे सुरक्षित रख लो, ये कभी ना कभी काम आएगा। तो आज वह काम आ रहा है। पहले इस छोटे से वीडियो क्लिप को देखिए। विश्व प्रयाग के नाम से ये लक्ष्मी पार है,
अब इस वीडियो क्लिप को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि हॉलीवुड की किसी फिल्म में कहीं पर कोई ज्वालामुखी फट गया हो, कोई डायनासोर आ गया हो, या कोई दूसरे ग्रह के ऐसे प्राणी आ गए हों, वो सबको मार रहे हों और उनसे बचने के लिए सब भाग रहे हों। भीड़ कैसे भाग रही है? यह भक्ति की भीड़ नहीं होती, यह भेड़ चाल की भीड़ है। भक्त और सिंह सदा अकेले रहते हैं। कहते हैं शेर कभी झुंडों में नहीं चलते ज़्यादा, भेड़ें झुंडों में चलती है। शेर तो दो चार होते हैं बस, वैसे तो अकेला ही चलता है शेर। तो जो भीड़ है ना शब्द, पहले तो समझ लीजिए भीड़ आया कहाँ से। भीड़ शब्द भेड़ से आया है, यानी भेड़ें देखी होंगी ना कैसे झुंड के झुंड बनाकर चलती हैं, और आगे वाली जो भेड़ चल रही है उसके पीछे सारी भेड़ें चलती हैं। इसे भेड़ चाल कहते हैं, यानी अगर आगे वाली भेड़ कुएं में गिरेगी तो बाकी भी सब कुएं में गिरेंगी, तय है। वो ये नहीं देखेंगे कि आगे कुआ है, वे कहेंगे जब आगे वाली गिरी है तो हमें भी गिरना है। कुआ हो, खाई हो, कुछ हो, बस आगे वाली जो भेड़ चल रही है हमें उसके पीछे चलना है, अब वो कहीं भी जाए। तो अभी आपने भीड़ का वीडियो देखा, ये वही भीड़ जो है ना उसी प्रकार की है। माना कि एक पक्ष से यह भी कहा जा सकता है, दूसरे पक्ष से देखें कि देखो इनमें कितनी भक्ति भावना है, इस भक्ति भावना के अंतर्गत इनको कुछ दिखाई सुझाई नहीं दे रहा, देखो कैसे भागे जा रहे हैं। अब इस भीड़ को भी आपने देखा वीडियो क्लिप की, मानकर चलिए इसमें अगर कोई बच्चा गिर जाए नीचे, कोई बूढ़ा गिर जाए, तो बाकी भीड़ तो उसे रौनती हुई चली जाएगी। यहाँ किसको फुर्सत कि कोई किसी को उठाए, संभाले, देखे? ये भक्तों की भीड़ है क्या? नहीं, इसे कुछ और नाम दिया जा सकता है, और वह कुछ और नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन भक्तों की भीड़ नहीं है। अब रही तीर्थ यात्राओं की बात, आपके उत्तर पर हम बाद में आएंगे, पहले उत्तर तक पहुंचने की मैं पूरी यात्रा करवा रहा हूं। मुझे देखकर आप सभी को ये लगता होगा और लगता है कि ये व्यक्ति न जाने कितनी तीर्थ यात्राओं को करके आया होगा, सभी स्थानों पर गया होगा, मंदिरों में नमस्कार किया होगा, स्वाभाविक रूप से देखकर लगता होगा मुझको। लेकिन आज मैं सत्य बता दूं, मैं अनेक तीर्थ स्थानों पर गया लेकिन किसी तीर्थ स्थान के प्रसिद्ध मंदिर में कभी नहीं गया, कभी भी नहीं गया। काशी विश्वनाथ मेरे मित्र हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक जाने माने हस्ताक्षर पंडित राजन साजन मिश्र बनारस घराने के हैं, उनके पुत्र का विवाह हुआ काशी में। बुलाया मुझे, ठहराया उन्होंने बहुत अच्छे होटल में और कहा कि भगवान काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कराइए, तो हम गए। तो काशी विश्वनाथ के 500 मीटर की दूरी से पहले ही दोनों तरफ, उस समय आज तो हमें पता नहीं क्या है, दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें, बीच में घुसने का रास्ता ही नहीं, बहुत संकीर्ण रास्ता, और ऊपर से हमें घेर लिया कुछ पंडित पुजारियों ने, कहाँ से आए हैं, क्या है, किस तरह से हैं, ये पूजा कराएंगे, वो कराएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये जोड़े हाथ और माफ़ करो हमें, और मैं लौट कर घाट पर बैठ गया। वहाँ के शांत घाट था एक, और घाट पर बैठकर मैंने कहा काशी के बसैया, हे भगवान विश्वनाथ, इतनी दूर चलकर मैं आ गया हूँ, अब कुछ चलकर तुम्हें भी आना पड़ेगा, मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं जाऊँगा, जिसे कहा जाता है तुम्हारे अंदर का गर्भगृह जो भी कुछ हो, तो मैं इस भीड़ में नहीं घुस सकता, तुम्हें आना है, बाहर आ जाओ, यहाँ बैठा हूँ। और हनुमान जी ने भेजा है, अब तुम्हारी मर्जी है, आओ या ना आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। और भगवान विश्वनाथ आए, मैं जो भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जो भी प्रसिद्ध, वहाँ गया, जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ के द्वार भी गया, लेकिन बाहर बैठा रहा। मैंने कहा नहीं, इतनी दूर मैं चल कर आया हूँ, अब बाहर तक तो तुमको आना ही होगा। और सभी आए, जिस जिसके भी मैं द्वार पर गया, मथुरा वृंदावन गया, ये जो बता रहे हैं,
वृंदावन के बाहर कहीं दूर एक निर्जन जंगल में सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया और कह दिया कि चलिया यहां बैठा हूं, नहीं आना तेरी मर्जी, बहुत छलिया है ना, यहां बैठा हूं, आना है तो आ जा, नहीं तो तेरे द्वार से चला जाऊंगा। ऐसे तेरी नगरी में आ गया ना, बस इतना ही काफी है, तेरी नगरी में आने से ही मेरी हाजिरी लग गई और बस। अरे जितने तीर्थ स्थानों पर मैं गया, बस वहां पर जाके मैंने कहा भैया बढ़िया बढ़िया खाने पीने की दुकानें बताओ कौन सी हैं, और अच्छी से अच्छी जो बढ़िया खाने की चीज़ थी वहाँ की खूब खा पी कर आया, और जिसकी जो नगरी थी उसे वहीं बुला लिया कि भैया आ जा रहे, आना है तो आ जा, नहीं तो तेरी नगरी में आ गया हूँ, तेरे मंदिर का प्रसाद तो नहीं खाऊंगा, यहाँ की चाट पकौड़ी खा के जाऊँगा, अब तेरी मर्जी। लेकिन मेरी भावदशा कुछ और है, कुछ और है, आना पड़ा उसको, आना पड़ा। आप सबके लिए क्या है ये आपकी इच्छा। लोग मुझे अपने अनुभव बताते हैं, कोई कहता है वैष्णो माता मंदिर गया, 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन, और जब पिंडी के दर्शन गया तो जो दर्शन कराने वाले हैं वो थप्पड़ मार रहे हैं कस कस के, चलो आगे चलो आगे चलो आगे। तो अनेक भक्तों ने अपने अनुभव बताए कि इतना अपमानित अनुभव किया हमने कि अरे इतनी दूर से आए हैं महामाई के पिंडी के दर्शन करने के लिए, 30 सेकंड तो खड़ा होने दो, 30 सेकंड का 3 सेकंड भी नहीं। अनेक ने तो अनुभव बताया कि हम तो दर्शन ही नहीं कर पाए, ऐसे थप्पड़ लगे उनके धक्का देने वालों के। अब तुम्हारी इच्छा ऐसी, तुम जा रहे हो ऐसे, तो जो प्रसाद में मिल रहा है स्वीकार करो, थप्पड़ मिल रहे हैं, पंडित पुजारी मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है स्वीकार करो। लेकिन मेरा चिंतन क्या रहा कि जिस भी भगवान के दर्शन करने जिस तीर्थ स्थान पर मैं गया, उसकी नगरी में पहुंचकर उसके स्थान पर पहुंचते ही मैंने कहा मेरी लग गई हाजिरी, अब साहब लोगों आपको आना है तो आ जाओ, नहीं तो अपनी तो हाजिरी लग चुकी है। और वो आए, मैंने फिर कहा कि मेरी भावदशा की नकल मत कर लेना, लेकिन हाँ अगर नकल भी करनी है तो बड़े भाव के साथ करना, बड़े भाव के साथ। पर ऐसी नकल हो नहीं सकेगी, क्यों नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो भी तीर्थ स्थान पर जाता है वह तो बस यही लेकर जाता है कि मुझे बस उस पर्टिकुलर मूर्ति के दर्शन करने हैं वहाँ पर, उस पर्टिकुलर मूर्ति के। लेकिन पर्टिकुलर में वो नहीं होता, वो कहाँ कब किस रूप में होता है ये बड़े रहस्य की बात है। जहाँ सोचकर जाओगे कि वह यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, कई बार वो वहाँ नहीं भी मिलता, क्योंकि आपने अपनी सोच को इतना गहरा लिया होता है इस कारण से। और रही बात तीर्थ स्थानों की, तो बता दूँ तीर्थ स्थान उस ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, उसके क्षेत्र के प्रत्येक, अब मथुरा वृंदावन है, काशी विश्वनाथ है, अमरनाथ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उस क्षेत्र के संपर्क क्षेत्र में पहुँचते ही आप बद्रीनाथ पहुँच गए, केदारनाथ पहुँच गए। अब मेरे जैसा व्यक्ति जब भी गया आराम से किसी रिजॉर्ट में रहा, फर्स्ट क्लास रिजॉर्ट में, और वहीं से बैठकर अपना सलाम भेज दिया, सलाम कबूल हुआ और साहिबान आ गए मिलने के लिए। तो उस स्थान के निर्जन स्थानों पर जाइए, ये मैं आज रहस्य की बात बता रहा हूँ। किसी भी तीर्थ स्थान पर गए तो उस तीर्थ स्थान के निर्जन मंदिरों को ढूंढिए जहाँ कोई नहीं जाता या नाम मात्र को लोग जाते हैं, और उन मंदिरों में जाकर प्रणाम करके आइए, खोजिए। मैंने अपनी पत्नी को भेजा कई स्थानों पर और मैंने कहा जाओ और वहाँ के निर्जन मंदिरों में प्रणाम करके आओ। और जब वे वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि आपकी बात का सम्मान उन सभी देवी देवताओं ने रखा और वे आए। अब रही तीर्थ स्थानों की स्वच्छता की बात, अनेक तीर्थ स्थानों पर मैंने मंदिरों के पदाधिकारियों से कहा कि आपके पास इतना चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे में यदि आप 100 कर्मचारी भी रख लें अपने यहाँ,
कि ये 100 कर्मचारी उस मंदिर परिसर के चारों तरफ केवल स्वच्छता का ही काम करेंगे। तो सबका मुंह ऐसा हो गया जैसे मैंने उनको करेला खिला दिया हो या नीम की पत्तियां घोटकर पानी पिला दिया हो, सबके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया, हजम नहीं हुई बात, कड़वी और लगी। सब कुछ सरकार करे ये उनका कहना है। वे कहते हैं सरकार किस बात के लिए है, सरकार को हम टैक्स किस बात का देते हैं, सरकार देखे सफाई का काम। बात उनकी बिल्कुल सही है, मैं इनकार नहीं करता। किसी भी तीर्थ स्थान पर कितनी स्वच्छता है यह देखना प्रशासन का काम है, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। लेकिन एक नैतिक दायित्व तो होता है ना कि मंदिर परिसर को ही, कम से कम मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है उसको ही इतना स्वच्छ, पवित्र, सुंदर और व्यवस्थित रखें कि आने वाले तीर्थ यात्रियों को बड़ी शांति और सुख का अनुभव हो। अभी जैसे इन्होंने बताया कि मंदिर में एक लड़की बेहोश हो गई और लोग कह रहे हैं कि इस पर भगवान आ गए, तो ये इसीलिए तो हो रहा है कि व्यवस्था नहीं, अज्ञान बहुत अधिक है, ये इसका परिणाम है। अब मंदिरों की जो आसपास की, जो मैं सफाई की बात कर रहा हूँ, एक मंदिर के पदाधिकारी से मेरी बात हुई जो ट्रस्टी थे, वे मुझे बता रहे थे कि हम इतने लोगों को निशुल्क सुबह भोजन कराते हैं, इतने लोगों को खिचड़ी खिलाते हैं या कभी कुछ और देते हैं, दूध देते हैं, चाय देते हैं। अहंकार पूर्वक बता रहे थे कि हमारे मंदिर की तरफ से गरीबों को, साधु संन्यासियों को इतनी सेवा दी जाती है। तो मैंने कहा जो सुबह आपके यहाँ रोज़ सुबह चाय नाश्ता लेने आते हैं प्रसाद रूप में, उन सबको एक एक झाड़ू दे दो, कर्मयोग सिखाओ कि सभी पहले मंदिर के आसपास सारी सफाई करेंगे, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, सबको मंदिर की तरफ से भोजन निःशुल्क मिलेगा। दे तो रही हैं आप, तो साथ साथ ये काम भी दे दो, राम काज, एक टास्क, एक कार्य दे दो। तो उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं करेगा और ना हम देंगे, क्योंकि इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। यानी तुम अपने तीर्थ स्थान को यदि साफ करवाओगे तो बदनामी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि मीरा की ऐसी बदनामी हो चुकी है। मीरा क्या कहती है भगवान कृष्ण से, प्रभु जी मोहे चाकर राखो जी, कह रही है कि हे प्रभु आप मुझे अपने घर की नौकरानी रख लो। मीरा बाई कह रही है प्रभु जी मोहे चाकर राखो जी। तो अपने मंदिर के स्थान पर जाकर तुम वहाँ पर अगर झाड़ू पोछा करोगे तो तुम नौकर कहलाओगे क्या हैं? अरे मैंने देखा है गुरुद्वारे में जाकर लोग कैसी सेवा करते हैं। अमीर से अमीर आदमी होगा, बड़े से बड़ा अहंकारी आदमी होगा, लेकिन जब गुरुद्वारे में प्रवेश कर जाएगा, गुरु के द्वार पर, तो वहाँ जोड़ों की सेवा करता है। जोड़ों की सेवा माने जूतों की, आप अपने जूते दीजिए, वहाँ रखे होंगे, गरीब से गरीब आदमी के जूते होंगे। अगर एक मल्टीनेशन कंपनी का भी कोई चेयरमैन वहाँ पर होगा और वो गुरु के द्वार पर गया है, गुरुद्वारे में जाकर वो जूते पॉलिश कर रहा है, तो उसकी कंपनी का अगर सिक्योरिटी गार्ड जो सबसे लोअर है वो आके अभी अपने जूते रख जाएगा, वो उसके जूते भी बड़े भाव के साथ चमका कर देगा। गुरु के द्वार पर प्रवेश करते ही सारा अहंकार बाहर ही छूट जाता है, अंदर आता ही नहीं, इतनी शक्ति है गुरु में कि वो बाहर ही छुड़वा देते हैं अहंकार की, पुत्र अंदर अहंकार लाने की ज़रूरत नहीं है और ना आ सकता अहंकार। तो वहाँ उसे देखिए, वो कितना भी बड़ा अहंकारी आदमी होगा, लेकिन जब वो जोड़े घर में जाकर जूतों की सेवा कर रहा होगा, आप अपने जूते दे आइए, जाइए गुरुद्वारे में, तो वापस जब आएंगे चमके हुए मिलेंगे। क्यों? वहाँ जो बैठा है वो आपके जूते चमका रहा है, और कोई साधारण लोग नहीं बैठे होते, बड़े बड़े अमीर लोग। मैं अमीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमीरों को अहंकार ज़्यादा होता है, पता है झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सीढ़ियां साफ कर रहे हैं, तो क्या वे नौकर हो गए? और हो गए तो हो गए, गुरु के सेवादार हैं, गुरु के नौकर हैं, फक्र की बात है, सौभाग्य की बात है। लेकिन हमारे हिंदुओं में अभी ये जो भीतर बात धसी हुई है कि ये छोटे काम हमें नहीं करने। मैं कहता हूँ तू मंदिर में जाकर 2 घंटे जो स्तोत्र पढ़ते हैं, एक आदमी को मैंने देखा
वो बैठा 3 घंटे से वो जाप कर रहा है। एक ने मुझे बताया कि रोज़ आते हैं और 3 घंटे यहाँ जाप करते हैं तीर्थ स्थान पर आकर, 1 महीना रहते हैं। बताया कि दूर स्थान से आते हैं, दूसरे राज्य से, और यहाँ पर आकर जाप करते हैं 1 महीने के लिए, 3-3 घंटे का। तो जब व्यक्ति उठकर आया, मैंने कहा भैया बात सुन, ये जो तू 3 घंटे जाप कर रहा है ना, और जिनके लिए कर रहा है, मेरी उनसे बात हो गई है? वो कह रहे हैं हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, ये क्या बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, कुछ नहीं। मैंने कहा तेरा जाप तो नहीं चलता, जाप के साथ साथ तेरे भीतर विचार और चलते रहते हैं हज़ार तरह के, वो जाप तो मशीन की तरह से चल रहा है। तो उसने कहा हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं क्या करूँ फिर? मैंने कहा तू कुछ मत कर, तू 1 महीने तक यहाँ के झाड़ू पोछा कर, सेवा कर, सफाई कर, बिल्कुल यहाँ का सफाई कर्मचारी बन जा। तो उसने कहा ये मुझसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकेगा, भगवान के द्वार पर आया हूँ मैं सफाई करने आया हूँ क्या? मैं तो मंत्र जाप करके प्रभु को सिद्ध करना चाहता हूँ। तो भैया इसी अज्ञान में तो न जाने कितने करोड़ों जन्म निकल जाते हैं, इसी अज्ञान में। तो ये जो एक बात उठाई, और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर ली हैं तुम्हारे, कि पंडे पुजारियों की लूटपाट, अरे सहज स्वाभाविक घटना है, लगभग सभी जगह है, सभी तीर्थ स्थानों पर। प्रत्येक को रोजगार चाहिए, प्रत्येक को रोजी रोटी चाहिए, सबको प्रभु ने अपने अपने मार्ग दिए हैं, तो इनसे परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको तो हम अब सहज स्वाभाविक घटना मान लेते हैं। आप चौराहे पर चले जाइए, लाल बत्ती होती, गाड़ी खड़ी होती, भिखारियों के झुंड टूट पड़ते हैं, आपका शीशा बजाएंगे, खड़काएंगे। और कई तो ऐसे कुशल भिखारी होते हैं, इधर खिड़की बजाएगा, दूसरा पीछे का दरवाज़ा खोल के आपका ब्रीफकेस उठा कर ले जाएगा। तो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वे हो रही हैं, जिनको रोकना चाहिए वे रोक नहीं रहे हैं। मेरे साथ एक विदेशी मित्र आए हुए इन दिनों, चौराहे पर गाड़ी रुकी और विदेशी को देखकर उनको लगा भिखारियों को शायद डॉलर बरसेंगे, पीट रहे हैं, शीशे पे शीशे सिक्का मार के, मुक्का मार के खटखटा रहे हैं। तो मेरे विदेशी मित्र बोले, आपके देश के चौराहे क्या भिखारियों के लिए बने हैं? मैं बहुत लज्जित हुआ, स्वाभाविक रूप से होना ही था, चुप रह गया। इतना ही बोला कि उन सब की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। उन्हें भी लगा कि उन्होंने व्यर्थ में मेरा दिल दुखाया, उन्होंने भी मुझसे क्षमा मांगी कि मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो अब प्रश्न ये, इन सबको कौन रोकेगा? क्या मैं कार से उतरकर या आप कार से उतरकर चौराहे पर इन भिखारियों को रोकेंगे? किसका काम है इनको रोकना? एक बात और, कार हमारी जा रही थी, वो विदेशी मित्र बैठे थे, अभी की बात है, कुछ ही दिन हुए, इतनी गाय सड़कों पर, इतनी गाय। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ दिस, आपके देश में इस तरह से बेसहारा पशु कैसे घूम सकते हैं? और ये जिसे कि आप लोग अपनी माता कहते हैं, और एक गाय तो घायल हालत में दिखाई दी, किसी ने टक्कर मार दी होगी। तो मैंने कहा कि ये तो हमारी कॉलोनी का हिस्सा है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ रोज़ 100-150 गाय सड़कों पर रोज़ घूमती हैं, सड़क पे बैठी हैं, अचानक कार के सामने आ जाएंगी, रोज़ 100-150 गाय। और वो जब खाएंगी तो वहाँ पर शौच इत्यादि भी करेंगी, वे सब भी वहीं हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि क्या इस चीज़ को देखने वाला प्रशासन में कोई भी नहीं है? कहाँ जाएं, किससे कहें, कोई है ही नहीं ना सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। मैंने कई बार अपने कार्यक्रम में कहा, इस बात को आज फिर रेखांकित कर रहा हूँ, कि आपको पता है कि आपके मोहल्ले की अगर सड़क टूटी हुई है कई सालों से, तो आप उसे ठीक कराने के लिए किस अधिकारी को फ़ोन करेंगे? कि आपके पास उसका नंबर है, खोज के देखिए, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक सड़क पर कई सालों से गड्ढा पड़ा हुआ है, मुझे आज तक नहीं पता लगा, मैंने बहुत खोजबीन करवाई, मुझे नहीं पता लगा कि इस गड्ढे को भरने के लिए मैं किस अधिकारी से कहूँ। और सवाल है क्यों कहूँ, जब मुझे वह गड्ढा दिखाई दे रहा है रोज़, तो क्या जिसके लिए वह अधिकारी इतना अच्छा वेतन ले रहा है उससे क्यों दिखाई नहीं दे रहा?
और अगर उसे दिखाई नहीं दे रहा तो उसे दिखाई दे, इस दिखाई देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कौन है वह व्यक्ति जो उसे दिखाए? कौन है? और ये वही है, एक ऐसा ईमानदार आदमी कोई ऊपर हो जो इन सबसे अधिकार पूर्वक उत्तर मांग सके कि बताओ ऐसा क्यों है, और उसके पास अधिकार हो इनको दंडित करने का भी, तब, अन्यथा बात नहीं बन सकती। तो जो प्रश्न आज का उठा, ये प्रश्न बहुत सारी बातों की गुत्थियां खोल कर गया है। सार संक्षेप में मैं यही कह रहा हूँ कि तीर्थ स्थानों पर आप जाइए, बिल्कुल जाइए, जाने से मना नहीं करता, लेकिन उन तीर्थ स्थानों पर या तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जिसके भीतर सारे तीर्थ बसते हों, सब तीर्थ वहाँ रहते हों। तब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा सा, अभी बहुत छोटा सा उदाहरण। हरिद्वार दुनिया जाती है, ऋषिकेश दुनिया जाती है, हिमालय जा रही है आगे, लेकिन उन सब तीर्थ स्थानों की, सब तीर्थ यात्राओं का यदि किसी को फल प्राप्त करना है तो एक महापुरुष का नाम मैं बता सकता हूँ और पता भी बता सकता हूँ। उस महापुरुष के भीतर सारे तीर्थ वास करते हैं, सारे तीर्थ और सारे देवी देवता, लेकिन वह महापुरुष कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैंने तो देखा है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लोग कहते हैं मैं भगवान को खोजना है, आज मैं किसी को बता दूं भगवान यहाँ है, ये उसका पता है, कोई नहीं जाएगा। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, बात चली है तो बता रहा हूँ, एक ऐसे महापुरुष के विषय में बता रहा हूँ जो अभी उपलब्ध हैं, हमारे बीच में हैं, और जिनके भीतर मैंने अनुभव किया कि सारे तीर्थ स्थान वास करते हैं। वे हैं पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी, ओरोवेली आश्रम हरिद्वार के संस्थापक। 40 वर्ष पहले उन्होंने इस ओरोवेली आश्रम की स्थापना माँ के आदेश पर की थी, माँ की इच्छा पर, और उनमें तो मैं हनुमान जी के साक्षात दर्शन करता हूँ, साक्षात हनुमान जी के, और अन्य सभी देवी देवता, अन्य तीर्थ स्थान। यदि इस बात की सत्यता को जानना है तो इस ओरोवेली आश्रम में एक दिन के लिए चले जाइए, पूज्य स्वामी जी का सिर्फ दर्शन कीजिए, बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है, हाथ जोड़कर बैठ जाइए, जो उनको कहना होगा कह देंगे। उनके दर्शन करना, उनके चरण स्पर्श करना, बस इतना ही पर्याप्त है। तो आज का मैंने सार बता दिया, मेरे अधिकतम अनुभव, अधिकतम ज्ञान, अधिकतम जानकारी के अनुसार, ये मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। दूसरे को इस बात से इनकार करने और ना मानने का पूरा अधिकार है, मैं सिर्फ अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। तो यदि किसी को वास्तव में शांति और दैवी कृपा चाहिए तो इस आश्रम में पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी के दर्शन करने वह जा सकता है और सभी तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त कर सकता है।